अल्लाह योर्स कैसे हैं आप सब आई होप यू आर डोइंग वेल अलहमद ला सब फाइन तो टाइम को मैं ना वेस्ट किए चलते हैं अपनी डिप नंबर वन की तरफ डिप नंबर वन मेरी बड़ी ही अमेजिंग है ये देखें इस तरह का इस तरह के जो पॉलीथीन होते हैं वो अक्सर हमारे घर में पाए जाते हैं तो आज इसके साथ बड़ा ही अमेजिंग सा एक ऑर्गनाइज़र आपके साथ बन, बना के शेयर करूँगी आपने क्या करना है इसके आपने ये वाली साइड से जो है वो कटिंग कर लेनी है तो कटिंग करते हैं फिर आपसे मिलती आप देख रहे होंगे कि एक साइड से मैंने इसकी कटिंग कर ली है तो अब आपने क्या करना है छुरी को अच्छे तरीके से गर्म करके तो आपने इसके जो है वही इस तरह से हल्का हल्का इसको लगाएंगे तो इसके सेक्शंस बनते जाएंगे तो इस तरह से हम इसके सेक्शंस बनाएंगे तो जब तक मैं छुरी को गर्म करने जा रही हूँ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो काइंडली लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच करके बहुत सा प्यार दीजिएगा अब ये देखिए मैंने छुरी को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का इस तरह से करके लगाऊंगी तो हमारे ये जो है ये सेक्शंस बनते जाएंगे ज्यादा नहीं आपने लगानी इससे जल भी सकती है हल्का हल्का ही आपने इसको लगाना है तो गाइज आप देख रहे होंगे कि हमारे ये सेक्शन वन के रेडी हो चुके हैं अक्सर उकात ऐसा होता है कि हम लोग घर से बाहर जाने लगते हैं और हमें ब्रशिज अपने साथ ले तो हम अपने ब्रशेज जो है वो साथ ले जाना लेके जाते हैं तो क्या होता है कि अगर हम इनको यूं ही एक, एक साथ इकट्ठा करके रखें तो इससे जो है दूसरे के जर्म्स इसके साथ लग जाते हैं तो जो कि हमारी सेहत के लिए सूटेबल नहीं होता तो आपने क्या करना है इस तरह से इसके सेक्शन बना लेने हैं और इसके अंदर आपने जो है एक एक करके ये सारी चीज़ें जो है वो डालते जाना है तो इस तरह से आपकी आपके ब्रश जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होंगे और आसानी के साथ जो है वो एक जगह पर कवर रहेंगे तो लास्ट वाला जो है उसके अंदर हम पेस्ट को ऐड कर लेते हैं तो इस तरह से आप जो है वो सेपरेटली अपनी सारी चीज़ें जो है वो रख सकते हैं तो बाद में आप इसको यूं करके इकट्ठा करके तो जो है वो रबर बैंड चढ़ा के तो अपने बैग के अंदर कैरी कर सकते हैं इस तरह से एक हमारा बड़ा ही अमेजिंग सा ऑर्गनाइजर जो है वो बन के रेडी हो चुका है तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप इस टिप को लाजमी फॉलो कीजिएगा आ जाते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ तो नेक्स्ट वेप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस तरह की जो हमारी जैम वाली बॉटल्स होती हैं इस तरह से जब उनको हम वॉश करते हैं या यूज़ करते हैं तो इनके अंदर बहुत सारा रस्ट लग जाता है जो कि हमारे खाने पीने वाली चीज़ों के लिए भी नुकसानदेह होता है और देखने में भी बड़ा बुरा सा मालूम होता है तो ये वैसे तो ये कांच की बोटल जो है वो बड़ी ही जो है वो अमेजिंग होती है जिस किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए तो आज मैं आपके साथ एक छोटा सा डी आई वाई शेयर करूँगी जिसके साथ आपका ये जो ढक्कन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगेगा इसके लिए आपने ले लेना है कोई सा भी कपड़ा ये मेरे पास कॉटन का एक पीस पड़ा हुआ था तो आपने क्या करना है इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको बड़ा रख के तो इसकी गुलाई में आपने कटिंग कर लेनी है ये देखिए जिस तरह से आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं तो इस तरह से गुलाई में मैं इसका छोटा सा पीस कट कर लूंगी तो भाई आप देख रहे होंगे मैंने छोटा सा गुलाई में पीस जो कट कर लिया है अब ग्लू गन की मदद से या किसी भी ग्लू की मदद से आपने इसको इस ढक्कन के ऊपर जो अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है इसको लगा के फिर आपको दिखाती हूँ तो गाइज़ आप देख रहे होंगे कि हमारा कितना अच्छा सा कैब इसका बन के जो है वो रेडी हो चुका है तो इसको मैं आपको बंद करके भी दिखाती हूँ तो आप देख रहे होंगे कि एक बेकार सी चीज़ के साथ मैंने जो है वो इतना अमेजिंग सा इसका जो है वो कैब बना के रेडी कर लिया है ये देखने में भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और अभी जितना भी इसके ऊपर रस्ट लगा हुआ था वो सारे का सारा इसके अंदर छुप गया है तो इस तरह से आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल में ला के अपनी लाइफ को बहुत इजी और ब्यूटीफुल बना सकते हैं आई होप कि आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा होगा नेक्स्ट मेरा आइडिया जो है वो इस तरह के डिस्पोजेबल कप के हवाले से है ये तो अक्सर हमारे घर में इसके अंदर जूसेज़ वगैरह जो है वो आते रहते हैं तो आज इस बेकार से कप के साथ में एक बड़ा ही अमेजिंग सा और ब्यूटीफुल सा एक आइडिया बनाने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने ये देखे मेरे पास पिस्ते के जो है वो शेल्स पड़े हुए थे तो इनको भी हम यूं ही बेकार करके फेंक देते हैं लेकिन आज इसकी मदद से हम बड़ा ही अमेजिंग सा एक फ्लावर पॉट रेडी करेंगे तो ये जो मैंने डिस्पोजेबल कप आपको दिखाया है इसके ऊपर आपने जो है वो ग्लू गन की मदद से इन सारे सबको जो है वो पेस्ट कर लेना है ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो है वो ग्लू गन के साथ एक लेयर बनाई है तो अब मैं बारी बारी इन सबको जो है वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से पेस्ट कर दूंगी तो ये बड़ी आसानी के साथ जो है वो इसके ऊपर एडजस्ट हो जाएंगे और बाद में मैं जो है वो इसके ऊपर कोई कोई सा भी पेंट जो है वो इसके ऊपर कर दूँगी और हमारा बड़ा ही अच्छा सा फ्लावर पॉट बन के रेडी हो जाएगा तो आप देख रहे होंगे कि आपके सामने मैं इसको रेडी कर रही हूँ तो जब ये मुकम्मल तौर पर रेडी होगा तो आप यकीन करें इतना ब्यूटीफुल लगेगा कि आप खुद देख हैरान होने वाले हैं तो इस तरह से आप अपनी बेकार चीज़ों को बिल्कुल भी बेकार मत कीजिएगा बल्कि इनको अपने इस्तेमाल में ला के अपनी लाइफ को और अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं तो ये देखिए मैं इसके ऊपर चिपका रही हूँ इसी तरह से मैं पूरी ग्लास के ऊपर चिपकाऊँगी तो गाइज़ आप देख रहे होंगे कि इस तरह से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ अब थोड़ा सा मेरा बाकी रह गया इसको भी मैं डेकोरेट करके फिर इसके ऊपर प्यारे से कलर करके फिर आपको दिखाती हूँ तो गाइज़ आप इसकी जो है फाइनल लुक देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा हमारा जो है वो फ्लावर पॉट बन के रेडी हो चुका है तो अब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसके ऊपर जो है वो कोई कलर पेंट भी कर सकते हैं तो मेरे पास ये वाला पेंट था तो मैं ये वाला पेंट इसके ऊपर जो है वो करने लगी हूँ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसके ऊपर कोई भी कलर लगा सकते हैं और आप इसको एज़ इट इज ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर ये वाला कलर कर दूँ तो मैं कलर करके फिर आपको दिखाती हूँ तो गैज़ा आप देख रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर अच्छे से कलर कर दिया है और ये कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि हमने इसको किस तरह से रेडी किया है तो आप इसको किसी तरह तरीके से भी इसका यूज़ ले सकते हैं इसके अंदर आप अपना कॉस्मेटिक का सामान भी रख के इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पर भी रख सकते हैं इसके अलावा आप इसको जो है ये देखिए मैंने इसके ऊपर अपनी सारी जो थी मेरे पास कॉस्मेटिक की चीज़ें थी वो मैंने इसको डाल के तो इसके अंदर सारी जो है वो अच्छे से फिक्स कर दी हैं तो आप इसको इस तरह से डाल के अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं इसके अलावा आप इसके अंदर अपने बच्चों की स्टेशनरी आप अपने बच्चों की स्टेशनरी डाल के इसको अपने बच्चों के स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं और इसके अलावा आप इसका एक और तरह से यूज ले सकते हैं कोई भी फ्लावर आपके घर में पड़े हों तो आप इसके अंदर डाल के तो इसको एज अ फ्लावर पॉट यूज कर सकते हैं तो ये देखिए मैंने इसके अंदर फ्लावर डाल के तो उसको टेबल के ऊपर रखा है तो ये देखे, इस, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि इसको हमने खुद से बनाया है ये हमने बाज़ार से इसको खरीदा है तो इस तरह से हम एक बेकार सी चीज़ के साथ इसको इतना यूज़फुल और अमेजिंग सा बना सकते हैं कि आप लोगों की सोच है तो इस तरह से आप अपनी बेकार चीज़ों को अपने इस्तेमाल में ला अपने रुपये पैसे की बहुत सी बचत कर सकते हैं और अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट और ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं आई होप कि आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा प्लीज़ तो नेक्स्ट वीप में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस तरह की प्लेट्स हमारी होती हैं कि अक्सर उकात ऐसा होता है कि हम लोग अपनी शिफ्टिंग के दौरान जो है अपने सामान को इधर से उधर ले जाना पड़ता है तो इस तरह के हमारे जो जो बहुत कीमती सेट्स हैं तो वो इधर उधर उठाने के दौरान जो है वो चीज़ें टूट जाती हैं और हमारा बड़ा सा नुकसान हो जाता है तो इनको हम किस तरह से इजीली सेव करके रख सकते हैं इस तरह के ट्राउज़र वग़ैरह जो हैं जो कि बेकार पड़े हों जिनको आप यूज़ में ना लेते हो तो उनको अच्छे तरीके से वॉश करके तो इसके अंदर आप जो है वो अपनी प्लेट्स को बड़े अच्छे तरीके से कवर करके रख सकते हैं तो ये देखिए मेरे पास ये एक ट्राउज़र पड़ा हुआ था तो ये काफ़ी पुराना पड़ा हुआ था कोई भी इसको यूज़ में नहीं लेता था तो इसको मैंने जो है वो अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसके अंदर मैंने जो है वो सारी प्लेट्स को रख दिया है कि जो होते हैं स्ट्रेचल होता है और बड़ी आसानी के साथ जो है इसकी वेस्ट जो है वो ज़्यादा या कम हो जाती है तो ये देखिए इस तरह से करके मैं इसकी तय बना रही हूँ ऐसा ही आप लोग भी कीजिएगा जैसे आप मुझे वीडियो में वॉच कर रहे हैं तो इस तरह से हम जो है वो बड़ी आसानी के साथ अपने जो कीमती हमारे बर्तन वगैरह हैं उनको आसानी के साथ इधर से उधर कैरी कर सकते हैं तो ये वाला जो पांचा है इसको मैं नीचे को फोल्ड कर रही हूँ तो इतनी टाइटली ये बंद हो जाएंगी कि बिल्कुल भी खुलने का नाम नहीं लेंगी और हम आसानी के साथ जहाँ इनको चाहें आसानी के साथ मूव कर सकते हैं तो ये वाला पांचा मैंने इसके अंदर यूं करके फ़ोल्ड कर दिया है अब ये दूसरा पांचा जो है हमारा तो इसको उसको हम यूं, यूं करके ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे और हमारी ये जो प्लेट्स हैं ये धूल मट्टी से भी पाक रहेंगी इनके ऊपर कोई डस्ट भी नहीं जाएगी और हम जहाँ ले कर जाना चाहें आसानी के साथ इनको ले जा सकते हैं इनको किसी किस्म के टूटने का कोई ख़तरा नहीं होने वाला तो ये देखिए हमारी बहुत अच्छे तरीके से हो के जो है हमारी प्लेट्स वो टाइटली बंद हो गई है अब नेक्स्ट बारी आती है हमारे कप्स की यहाँ तो हमें इधर उधर जाना होता है या कहीं आउटिंग पे जाना हो तो हम अपना ये जो खाने पीने का सामान है वो साथ लेके जाते हैं तो इसका सबसे जो मेन पार्ट होता है सेंसिटिव पार्ट होता है वो इसके ये जो हैंडल्स हैं वो होते हैं अगर इसका हैंडल टूट जाए तो हमारा पूरे का पूरा सेट जो है वो बेकार हो जाता है तो आज हम अपने हैंडल्स को किस तरह से सेव करेंगे मैं आपके साथ एक इस तरह की एक जो है उसको बाइंड करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपका कप का हैंडल जो है वो कभी भी टूटेगा नहीं आप आसानी के साथ इसको जहाँ मर्जी शिफ्ट कर सकते हैं तो ये देखिए ये वाला इसका हैंडल जो है इसके माउथ के अंदर मैंने इस तरह से पुट कर दिया है अब ये वाला जो हमारा कप है ये वाला इसका हैंडल मैं इसके माउस के अंदर डाल रही हूं और ये वाला जो इसका हैंडल है ये मैं इसके माउथ के अंदर डाल रही हूँ इस तरह से हमारे चार कप जो हैं बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो गए हैं इनके साथ चारों के हैंडल जो हैं वो अच्छे तरीके से एक दूसरे के अंदर अच्छे से फिक्स हो गए हैं और ये बिल्कुल भी जो है वो निकलेंगे नहीं बाहर नहीं निकलेंगे और कभी भी नहीं टूटेंगे तो अब आपने इसको बाइंड किस तरह से करके लेके जाना है तो आप कोई इसके लिए किसी भी न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी पॉलीथीन बैग आप ले सकते हैं इस तरह के शॉपिंग बैग तो अक्सर हमारे घर में आते हैं जो कि हम यूं ही बेकार करके फेंक देते हैं तो इन कप्स को मैं इसके अंदर जो है वो अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके आपके सामने रखूँगी ये देखें इस तरह से करके इनकी जो है वो मैं तय बनाऊँगी तो हमारे कप जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो फ़ोल्ड हो जाएंगे हम इनको कहीं भी आसानी के साथ शिफ्ट कर सकते हैं ले जा सकते हैं और ये बिल्कुल भी टूटने वाले नहीं हैं तो ये देखें मैंने इसको सारे को इस शॉपर के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से कवर अप करके रख दिया है तो अब इसके ऊपर आपने दो रबर बैंड चला लेने हैं तो ये देखेंगे गाइस मैंने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर डबल रबर बैंड चढ़ा के तो उसको बड़े अच्छे तरीके से कवर अप कर दिया है बट ये बिल्कुल भी मूव नहीं करने वाले और हम बड़ी आसानी के साथ इनको कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हैं तो नेक्स्ट बारी आती है इन बॉल्स की इन बॉल्स को हम किस तरह से जो है वो आसानी के साथ कहीं मूव कर, करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपने लेनी होगी एक अखबार का भी जो कि इजीली हर घर में अवेलेबल होता है अखबार के अंदर आपने इसको यूं करके जो है वो फोल्ड करके रख देना है अगर आप इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ाना चाहें तो चढ़ा लें अदरवाइज इस तरह से भी जो है बड़े आसानी के साथ एडजस्ट हो चुकी हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये मैंने आ, आ, कहीं आने जाने या शिफ्टिंग के दौरान जब हम अपना सामान इधर से उधर ले जाते हैं तो इसको हम किस तरह से ईज़िली सेव करके रख सकते हैं ये मैंने तीनों तरीके आपके साथ शेयर किए हैं आई होप कि आपको इनमें से कोई तो कोई आइडिया लाजमी पसंद आया होगा आज मैं आपके साथ बड़ा ही अमेजिंग सा तरीका शेयर कर रही हूँ कि प्रेशर कुकर के अंदर सिर्फ हम खाना नहीं बना सकते इसके अंदर हम जो है वो रोटी भी बना सकते हैं अक्सर का ऐसा होता है हमारा तवा जो है वो खराब हो जाता है या हमारे पास अवेलेबल नहीं होता या टूट जाता है तो यहाँ लीक करने लग जाता है जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी होती है तो आपको परेशान होने की बाजार के चक्कर काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो अपनी रोटी बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं और इसके अलावा इसके अंदर तंदूरी रोटी जो है वो भी बड़ी आसानी के साथ बनाई जा सकती है तो आज आपके साथ बड़ी अमेजिंग टिप शेयर कर रही हूँ देखिए मैंने प्रशर प्रेशर कोकर जो है वह चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है अच्छे तरीके से जब यह हीटअप हो जाएगा फिर हम इसके अंदर जो है वो रोटी लगाएंगे तो गाइस आप देख रहे होंगे कि हमारी रोटी जो है बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है अब हमारा प्रेशर जो... प्रेशर भी अच्छे तरीके से हीट अप हो चुका है अब मैं रोटी जो है वो प्रेशर के अंदर लगाऊंगी रोटी लगाने से पहले आपने एक बात का ख्याल लाजमी रखना है कि आपने रोटी के दोनों साइडों पर जो है वो पानी लाजमी लगा लेना है ताकि वो प्रेशर कुकर के साथ चिपकी रहे और आसानी के साथ जो है वो सीख भी सके तो गाइज़ आप देख रहे होंगे कि मैंने रोटी जो है वो तवे के प्रेशर के अंदर डाल दी है अब आपने क्या करना है इसकी साइड आपने पलट देनी है इसको उल्टी साइड पे कर देना है तो गाइस आप देख रहे होंगे कि इस तरह से करके आपने जो है वो इसको फ्लेम के ऊपर उल्टा करके तो इसको अच्छे तरीके से सेक लेना है आपने देख लेना है कि रोटी कहाँ से कच्ची है आपने वो वाला हिस्सा जो है वो अच्छे तरीके तो मैंने तो आपको दिखा दिखाने के लिए सिर्फ़ एक ही रोटी बनाई है आप इसकी साइडों पे तीन या चार रोटियां बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं मुझे फिलहाल एक ही जरूरत थी तो आप देख रहे होंगे लाइव रिजल्ट आपके सामने मैंने शेयर किया है कि रोटी जो मैंने इसके अंदर लगाई थी वो कितनी अच्छी तरीके से सीख के जो तैयार हो चुकी है और बिल्कुल तंदूरी रोटी की तरह हमारी रोटी जो है वो बन के रेडी हो गई है तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे हमारी रोटी की फ़ाइनल लुक जो है वो बन के रेडी हो चुकी है इसी तरीके से आप अपनी प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो तंदूरी तो रोटी घर में बना सकती हैं और अगर आपके घर में ज़्यादा गेस्ट आ जाए तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हुए डेरो डे रोटियाँ जो वो मिनटों में बना सकती हैं आई होप कि आपको मेरा ये वाला आइडिया बहुत ही अमेजिंग लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो फ्लाई गलाजम ही कीजिएगा